अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब सरमा रोड पे और आज हम उसको आपकी सैर करवाते हैं पंजाब सरमा रोड की। यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे तजावजात की क्या सूरत हाल है। ये मेन चौक है, यहाँ पे आप देखेंगे रेहड़ियों की भरमार है दोनों तरफ। यहाँ से भी जो है पहले हटाई गई थी रेहड़ियाँ, तो यहाँ से अब गुजरने के लिए जो है वो लोगों को बहुत मुश्किल का सामना है। दोनों तरफ में जो है रेहड़ियाँ लग गई हैं और दोनों तरफ में छोटी सी एक जगह बचती है जहाँ पे सिर्फ एक मोटरसाइकिल गुजरने की जगह है, एक रक्षा यहाँ पे गुजर सकता है। तो ये दूसरी तरफ अगर कैमरा मैन दिखाया तो ये भी भरमार है दोनों तरफ। लोगों को यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हुआ पड़ा है, महाल हुआ पड़ा है। तो जानिए से गुजारिश है कि इसके ऊपर भी नोटिस लें और जो तजावजात कैम की गई हैं इसके ऊपर जो है वो इनको ख़त्म करवाया जाए दोनों तरफ से। इनके लिए का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे ये लोग खड़े हो सकें ताकि अपने शहर को जो खुला डुला करें। खुला शहर होगा तो जो वहाँ है मतलब कि वो शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, यहाँ पे आना पसंद करेंगे। ये जनाब ने कार भी दरमियान में लगा ली है और साथ में जो है देखेंगे रेहड़ियाँ भी लगी हैं दोनों तरफ से। तो हमारा मकसद जो है वो किसी को एड करना नहीं है, हमारा मकसद तजावजात से पाक हमारा शहर है, ताकि तजावजात से पाक होगा तो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आएंगे और सफाई सुथराई भी होगी। तो अभी आप देखें कि सड़कें भी जो है टूट फूट का शिकार है, नीचे सड़क भी टूटी पड़ी है और इर्द गिर्द जो है वो तजावजात की भरमार है। तो इंतजामिया पहले यहाँ तो काफ़ी नहीं है, तो अगर चाहते हैं तो प्रॉपर इसका बंदोबस्त करें। ये नहीं कि चार दिन उठा के इधर कर दिया, और बाकी जो है वो इनके प्रॉपर के लाइसेंस वगैरह भी होने चाहिए ताकि इनको भी पता हो कि सात के बाद कितनी रेहड़ी हैं, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इन चीज़ों के बारे में भी इंतजामिया भी जो है वो सोचना चाहिए और तजावजात के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमारी आज की इसी के बारे में वीडियो थी, आपको दूसरी सड़क का भी मंजर के बाद इसी की वो दूसरी सड़क है कि वहाँ पर जो है तजावजात की क्या सूरत हाल है वो भी देखें। इसका नाम है पंजाब सरमा रोड के ऊपर, ये बहुत ही पुरानी रोड है, इसको सारे सात के बाद की आवाम जो है जानते हैं, इस रोड के ऊपर सफ़र उन्होंने किया होगा। जिस तरह प्रॉपर उन्होंने रेडियाँ लगवाई हैं दूसरी तरफ, तो इनका भी जो करना चाहिए रात जो है ज़्यादा करना चाहिए। तो प्रॉपर जिस तरह पहले एक्शन लिया गया था इसके ऊपर दोबारा जो है वो एक्शन लेना चाहिए ताकि जो है वो अपने शहर को खूबसूरत साफ सुथरा बना सकें। अब हम दूसरी जानब चलेंगे इसी सड़क की, तो ये देखें दोनों तरफ से रेडी है, रात में मतलब कि उन्होंने रेडी लगा के बंद की है, या तो उन्हें एक तरफ बंदा रेडी लगाया प्रॉपर जो इंतजामिया बताती है उसके साथ से लगाया, लेकिन कोई भी इंतजामिया का बंदा यहाँ पर बदल जाता करके जो है सड़क जो है ये सड़क देखते ना काफ़ी खुली है सड़क, यहाँ से देखें ये काफ़ी खुली है, जैसे जैसे आगे जाती है ये सड़क तो बढ़ती जा रही है। तो बाहर होती है मतलब कि तजावजात की वजह से दुकानदारों को भी काफ़ी जो सामना करना पड़ता है। हमारा आज का टॉपिक जो था इसी के ऊपर था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ जो है दोबारा भी आते रहोगे, एक नई सड़क आपको सात के बाद की दिखाई जाएगी, वो भी बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ताकि हमारा मकसद ये है कि इंतजामिया को बार बार इसी चीज़ को आगाही देना कि खुदारा इसके ऊपर जो है नोटिस लें और हमारे शहर की खूबसूरती में जो है वो इजाफा किया जाए। इस तरह पहले उन्होंने भी एक दफ़ा नोटिस लिया था और इसके ऊपर जो है वो खुली हो गई थी काफ़ी सड़कें और लोग जो काफ़ी ढुले ढुले तरीके से यहाँ से शॉपिंग करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वही हाल शहर का होना शुरू हो गया है जो पहले था। तो जिस तरह पहले अगर इंतजामिया एक कवानीन बनाती है तो उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी करवाना इंतजामिया का जो है वह हक है, तो इसके ऊपर अमल दरामद करवाए, लेकिन वो अमल दरामद कराने बिल्कुल हमें जो है वो नाकाम नज़र आ रही है। इंशाल्लाह जो है जामिया से यही उम्मीद है कि वो जल्द इसके ऊपर एक्शन लेंगे और ये पुल है, पुल की सूरत हाल देख लें दोनों तरफ से, वो भी आपके सामने, रक्षों की सूरत हाल भी आपके सामने, ये इसका बीच वाली सड़क है उसकी सूरत हाल भी आपके सामने, उसका भी आपने विज़िट किया होगा। तो जामिया से गुजारिश है कि इसके ऊपर जो एक्शन लें ताकि हमारे शहर को खूबसूरत साफ सुथरा बनाया जा सके। आपने मेरे काम से जाहिर किया